हेलो एवरीवन, इट्स मी तनुजा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर गोइंग रियली गुड। सो वेलकम बैक टू माय अनदर हॉल वीडियो एंड वेरी रिक्वेस्टेड वीडियो। कि आज का वीडियो इज ऑल अबाउट डेनिम हॉल वीडियो, जो आप लोग हर टाइम मुझे रिक्वेस्ट करते हो मैं डेनिम आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वैसे तो मैंने बहुत सारा डेनिम हॉल पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, बट अभी आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं इस तरह का अभी जो ट्रेंडी डेनिम्स है वो सब मैं आप लोगों से परचेज करूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज का वीडियो इज ऑल अबाउट डेनिम हॉल वीडियो, जो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। एज यू गाइस नो, फ्लिपकार्ट पे आपको बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में डेनिम्स मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज डू हिट द सब्सक्राइब बटन जो यहाँ पे रेड कलर का है, उसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए व्हेनेवर आई अपलोडेड अ न्यू वीडियो। या गाइस, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग सिंगल मोर मिनट ऑफ टाइम। लेट्स क्विकली जंप इन टू द वीडियो। गाइस, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डेनिम विच इज दिस। ये मैंने ब्लू कलर का हाई वेस्ट डेनिम परचेस किया है और पूरा प्लेन डेनिम है, सिर्फ एक पॉकेट है आगे। एंड यहाँ पे जो नॉर्मल हर डेनिम्स में होता है आगे पीछे दो पॉकेट्स होता है, वैसे ही है सेम। यहाँ पे एक जो यहाँ यूनिक है वो है यहाँ का कार्गो स्टाइल का डेनिम, साथ साथ यहाँ पे नीचे पूरा रूस डिटेलिंग है। आप देख सकते हो नीचे के दोनों इस तरह से डिजाइन है। पर्पल फेदर ब्रांड का नाम है इसमें। जो मेरा साइज है वो है 28 और इसका जो ओरिजिनल प्राइस है 2000 रुपीज, बट ये मुझे 749 रुपीज में मिला हुआ है। एग्जैक्टली प्राइस जब मैं आपको इसे वेयर करके दिखाऊंगी तब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी स्क्रीन के ऊपर। तो क्वालिटी अब मैं आपको बताती हूँ, क्वालिटी अच्छा है क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है तो क्वालिटी अच्छा ही होगा, इसमें जरा भी बबल्स नहीं आएगा। बट ये मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है पहनने पे, थोड़ा ज्यादा टाइट हो रहा है मुझे। एंड या तो चलिए मैं आपको इसे वेयर करके दिखाती हूँ। प्रॉपर ब्लू कलर, प्लेन ब्लू कलर था ये, थोड़ा स्क्रैच टाइप था और ये ग्रे और ब्लू का मिक्सअप कलर है, वॉश कलर जिसे हम बोलते हैं, वो वॉश कलर में ये जीन्स है। इसमें आगे से दो पॉकेट है, पीछे से भी दो पॉकेट है, कुछ भी स्टाइल नहीं है। आप देख सकते हो पूरा ही प्लेन डेनिम है, इसमें कोई भी अलग तरह का कोई किसी तरह का स्क्रैच मार्क और या फिर लूज डिटेलिंग कुछ भी नहीं है इसमें। और ये बॉयफ्रेंड स्टाइल का ये डेनिम है और इसमें जो मेरा साइज है वो है 28। स्टाइली ब्रांड का नाम है इसका और ये अभी न्यू ब्रांड है। ये इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 900 रुपीज़, बट ये मुझे 589 रुपीज़ में मिला हुआ है। 589 में ये आपको प्रॉपर डेनिम मिलता है, बट इसमें जो मुझे अनकंफर्टेबल लगा है वो एक तो मुझे ये लूज़ हो रहा है और लूज़ होने के साथ साथ ये आगे का जो इसका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, मतलब फिटिंग इशू है इस जीन्स में, तो जिसके कारण मैं इसे रिटर्न कर रही हूँ। बाकी जीन्स ऐसे लुक वाइज जीन्स देखने में बहुत अच्छा है, बट मेरे पे ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा और फिटिंग इशू भी आ रहा है जिसके कारण मैं इसे रिटर्न करती हूँ। बट डेफिनेटली मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करती हूँ, अगर आप लोगों को परचेस करना हो तो कर सकते हो, बट आप लोग भी एक बार चेक कर लेना। अगर आप में भी सेम फिटिंग इशू आए तो आप भी रिटर्न कर सकते हो, क्योंकि फिटिंग इशू आता है तब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जीन्स। सो या गाइस, दिस इज द सेकंड वन। तो चलिए मैं आपको अभी से वेयर करके दिखाती हूँ। यहाँ पे जो आप व्हाइट कलर का ये सिलाई किया हुआ है ताकि ये और स्टाइलिश लगे, ऐसा डेनिम मैंने परचेस किया है। यहाँ पे पॉकेट का स्टाइल है बट पॉकेट नहीं है, दोनों तरफ आप देख सकते हो पॉकेट का स्टाइल बना हुआ बट पॉकेट नहीं है, नॉर्मल पॉकेट है जो हर जीन्स में आगे और दोनों पीछे तरफ से रहता है। इसका जो ये पीछे का पार्ट है वो पूरा इलास्टिक लगा हुआ है पीछे के पार्ट में और आगे से एक बटन है, इसमें कोई भी अलग स्टाइल नहीं है।
और ये मुझे थोड़ा हाइट वाइज मुझे थोड़ा शॉर्ट हो रहा है, इस जीन्स का लेंथ मुझे प्रॉपर नहीं आया है, बल्कि मैंने अपने साइज़ का ही परचेज किया बट फिर भी मुझे लेंथ आया नहीं है इस जीन्स का प्रॉपर। द ब्रांड नेम इज़ रिवर ऑफ सेन, ब्रांड का नाम है। इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 1700 रुपीज़, बट ये मुझे 700 के अराउंड ही मिला था। इसमें मेरा जो साइज़ है वो है 30, और मैं वैसे हाई वेस्ट तो 28 पहनती हूँ, बट मैंने इसका 30 भी परचेस किया, बट 30 में भी इसमें मुझे लेंथ का इशू आ रहा है, प्रॉपर लेंथ अच्छे से नहीं आया। तो अगर आप मेरे से लंबे हो तो आपको तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, और अगर मेरा हाइट 5.5 है तो मुझे ये थोड़ा लाइक शॉर्ट हो रहा है लेंथ वाइज। बाकी आप 5.4 हो 5.3 हो तो ये आपको प्रॉपर अच्छे से आ जाएगा, बट इसमें भी सेम मुझे फिटिंग इशू आया है, लाइक ये अच्छे से फिट नहीं हुआ है मेरे बॉडी पे, जिसके कारण मैं इसे रिटर्न कर रही हूँ। तो मैं आपको इसे जब वेयर करके दिखाऊंगी तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। एंड बाकी का जीन्स बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी जीन्स का अच्छा है, डेनिम मटेरियल ही है, प्रॉपर ब्लैक कलर है। मैंने अभी तक इसको वॉश नहीं किया है क्योंकि मुझे ये रिटर्न करना है फिटिंग इशू के कारण, तो आई डोंट थिंक सो इसका ब्लैक कलर जाएगा, क्योंकि भी देखा हुआ है अगर अंदर का कपड़ा इज ऑल्सो लाइक ब्लैक कलर ही हो और पीछे का भी लाइक ब्लैक ही हो तो उसका कलर नहीं जाता है। अंदर का अगर वाइट टाइप का हो तब इसका कलर जाता है, ऐसा मेरे पास भी जीन्स है जो अंदर कपड़ा और पीछे का कपड़ा दोनों ब्लैक ही है, तो वो अभी तक नहीं गया। मैं उसे 3 साल से वेयर कर रही हूँ और अभी तक उसका कलर नहीं गया, तो मुझे ऐसा लग रहा है इसका कलर नहीं जाएगा, बट प्रॉपर मुझे आइडिया नहीं है कि इसका कलर जाएगा या नहीं। सो गाइस दिस इज द थर्ड वन। और वाइट कलर के लिए मुझे सीरियसली, मैं आप खुद भी मेरे यूट्यूब वीडियो को चेक करना, हर एक वीडियो में आपको ये जरूर कमेंट आया कि वाइट, अगर मैंने वाइट कलर का डेनिम पहना हुआ है तो उसमें कमेंट जरूर आता ही है वाइट कलर का आप डेनिम कहाँ से परचेज किए हो। उस ब्रांड में तो वो डेनिम आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, इसलिए मैंने डिफरेंट ब्रांड से और अफोर्डेबल चेक करके मैंने परचेज किया है, विच इज़ दिस। बट गाइस इसका भी सेम ऑरेंज कलर का है, इसका वाइट के साथ ऑरेंज है। ये मुझे लगा था थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, बट देखने में मुझे उतना बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ये वाइट लाइनिंग के कारण, बट लेट्स सी, चेक करते हैं वेयर करने के बाद तभी पता चलेगा। पीछे का पार्ट, ये जो इलास्टिक है ये थोड़ा ही इलास्टिक है, बाकी ऐसा प्रॉपर लाइक वही कपड़ा है। और इसका जो मैंने ब्रांड है, जिस ब्रांड से परचेस किया वो है ऑर्चिड ब्लू ब्रांड का नाम है ये। इसका मैंने टॉप भी वेयर किया हुआ है, अच्छा क्वालिटी रहता है इसका, एंड माय साइज इज मीडियम मैंने परचेस किया। इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 2100 रुपीस, बट ये मुझे 849 रुपीस में मिला हुआ है। एग्जैक्टली प्राइस जब मैं आपको इसे वेयर करके दिखाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। इसका जो मटेरियल है वो है कॉटन मटेरियल, ये डेनिम मटेरियल नहीं है, ये कॉटन, प्रॉपर कॉटन जो जीन्स आता था ना पहले, उसी मटेरियल का ये जीन्स है। और आई थिंक मुझे लग रहा है इसमें बबल्स आ ही जाएगा, क्योंकि कपड़ा का क्वालिटी ही वैसा है, थोड़ा लाइक अभी ही ऊपर से थोड़ा धागा इसका निकल रहा है, आप खुद भी चेक कर सकते हो अगर आपको चोक हो रहा होगा तो। लेट्स सी, मैं आपको इसे वेयर करके दिखाती हूँ तब मैं आपको एग्जैक्टली लाइक फिटिंग इसका मैं बताऊंगी, क्योंकि अभी तक मैंने इसे वेयर नहीं किया हुआ है और ये भी हाई वेस्ट है गाइस। तो यार दिस इज द फोर्थ वन। जो भी शेयर कर रही हूँ सारा हाई वेस्ट डेनिम है, क्योंकि मुझे पर्सनली हाई वेस्ट पहनना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने हाई वेस्ट ही परचेस किया है। आई थिंक सारे लोगों को हाई वेस्ट पहनना अच्छा ही लगता होगा, क्योंकि अगर आप थोड़े से भी हेल्दी हो तो वो भी पता नहीं चलता है हाई वेस्ट में। मैं तो हमेशा हाई वेस्ट ही पहनती हूँ। सो द सेकेंड लास्ट डेनिम इज दिस, ये ब्लैक कलर का डेनिम मैंने परचेस किया है, एंड दिस इज ऑल्सो हाई वेस्ट। एंड इसका जो लुक है वो सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मेरा पर्सनली फेवरेट ब्रांड से है ब्लैक, प्रॉपर ब्लैक कलर में, कलर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, प्रॉपर डेनिम मटेरियल है गाइस। फिटिंग इसका बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। द ब्रांड नेम इज़ कोटी ब्रांड, ये अभी बहुत ही ज़्यादा ओल्ड ब्रांड नहीं है, न्यू ब्रांड ही है, बट इनका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। मेरे पास इनका 3 डेनिम है और तीनों डेनिम मुझे काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आपको मैं डेफिनेटली रिकमेंड करती हूँ ये ब्लैक डेनिम अगर आपको परचेस करना हो तो।
द माई साइज इज 28, इसका जो ओरिजिनल प्राइस वो है 2000 रुपीज और ये मुझे 800 के अराउंड मिला है। एग्जैक्टली प्राइस आपको स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूंगी जब मैं आपको इसे वेयर करके दिखाऊंगी। तो द बेस्ट, इस हॉल का सबसे बेस्ट डेनिम यही है। तो अगर आपको ब्लैक डेनिम परचेज करना हो तो बिना सोचे समझे आप इस डेनिम को परचेज कर लो, इट्स लुक वेरी नाइस। एंड या गाइस, तो चलिए मैं आपको इसे वेयर करके दिखाती हूँ। और इसका जो स्टाइल है ना वो थोड़ा लाइक बॉर्ड कट स्टाइल में, प्रॉपर ब्रॉड कट नहीं है, थोड़ा बॉर्ड कट स्टाइल में और थोड़ा बॉयफ्रेंड जीन्स के स्टाइल में। तो बट फिर भी ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हो। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, तो मैं आपको इसे यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो आप देख सकते हो ये डेनिम काफ़ी अच्छा है और इसका जो स्टाइल है वो थोड़ा बॉर्ड कट स्टाइल है। इसमें भी सेम वैसा थोड़ा आपको बॉर्ड कट लगेगा, थोड़ा बॉयफ्रेंड जीन्स टाइप लगेगा, बट बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, हाई वेस्ट जीन्स है। ये मुझे हल्का लूज हो रहा है जो जिसके कारण मुझे इसे एक्सचेंज करवाना पड़ेगा, बट बाकी सब ये जीन्स का बहुत अच्छा है। डेफिनेटली आप लोगों को भी रिकमेंड करती हूँ। इसका जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी है, डेनिम मटेरियल है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो डेफिनेटली आप इसे परचेस कर सकते हो। इसका भी सेम वही ब्रांड है, स्टाइली ब्रांड का नाम है। इसमें मेरा साइज़ है 30, बट मैं इसका 28 परचेस करूँगी और इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 2100 रुपीज़, बट ये भी मुझे 1000 के अंदर ही मिला हुआ है, जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर आपके साथ शेयर कर दूँगी। सो यार गाइस, ये है लास्ट डेनिम। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू प्लीज डू हिट द लाइक बटन, उसके साथ साथ आप कमेंट करना अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो, या फिर आप किसी चीज़ का सजेशन देना चाहते हो तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, उसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए व्हेनेवर आई अपलोडेड अ न्यू वीडियो। और आप खुद भी मुझे कमेंट बॉक्स पर सजेशन दे सकते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो किसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि मुझे भी आइडिया मिल जाए और आप लोगों को वीडियो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। और मैंने सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर शेयर कर लिया। और आप मेरे साथ और ज़्यादा जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर शेयर कर दिया है। तो यार गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।